हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज मैं पहाड़ी खाना बनाऊंगी। उसके लिए हमने चावल बना लिए हैं और हरी सब्जी भी बना ली है। और ये होती है कुल्थी की दाल, होती है पहाड़ों में ज़्यादा पाई जाती है। ऐसी होती है ये, एकदम सूखी। और इसे हमने भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। भीग गई है, एक कटोरी ले ली है मैंने, पानी निकाल लिया है। और ये मैंने सरसों के थोड़े से पत्ते ले लिए हैं, आप पालक के भी ले सकते हो। 2 चम्मच बारीक बारीक काट लिए हैं। जब ये दाल उबलेगी हम तब डालेंगे इन्हें। इसमें डालने के लिए मैंने एक टमाटर ले लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का 1 बड़ा चम्मच ले लिया पिसा हुआ। नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा ही चम्मच लाल मिर्च। और ये पहाड़ी तड़का है वो ले लिया मैंने, 1 चम्मच ये डालेंगे। और आज हम सरसों के तेल में बनाएंगे इसमें इसे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई में इसे बना सकते हो। सबसे पहले मैं ये दाल पीस लूँगी भीगी हुई, इसी में टमाटर पीस लूँगी, अलग से नहीं पीसूँगी। तो हम दाल पीसते हैं पहले। कुल्थी की दाल और टमाटर मैंने पीस लिया है। इस दाल का आज हम फाड़ू बनाएंगे। इसे फाड़ू कहते हैं गढ़वाल में। इसमें 2 चम्मच के हिसाब से तेल डाल लेंगे सरसों का, 2 बड़े चम्मच हैं ये। तड़का डाल लेती हूँ, पहाड़ी तड़का मैंने डाल लिया है, इसे जखिया भी बोलते हैं। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगी। लहसुन को हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल लेंगे जो निकाली है हमने। मसाला भून गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे 1 चम्मच। अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हो तो हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं ये जो हमने गैत पीस के रखे हैं कुल्थी की दाल, इसे गैत भी बोल सकते हैं, इसको डाल लेते हैं। और इसे थोड़ी देर भूनेंगे हम मसाले के साथ। आप इसे बिना टमाटर के भी बना सकते हो। अब हमने दाल भून ली है, इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि ये गाढ़ा बहुत हो जाता है। अच्छी तरह पानी मिक्स कर लिया है इसमें और ये थोड़ा थोड़ा उबलने लग गया है। अब हमें जितनी इसमें रसा चाहिए जितना, उतना पानी डाल लेंगे क्योंकि ये अभी पकेगा। कम से कम इसे 10-15 मिनट पकाएंगे, जब तक दाल का कच्चापन ना निकल जाए इसका। आड़ू में उबाला आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ये हरे पत्ते डाल लेती हूँ सरसों। ये राई के पत्ते हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं, ऑप्शनल है। 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए आड़ू को। गैस को बंद कर लेते हैं अब हम। जैसे दाल होती है उतनी गाढ़ी रखी है हमने ये।